सो ये आपका बिफोर था 2 मंथ्स पहले, देखते हैं अभी कैसा आपका अपीयरेंस है। सो देखिए इस तरह से ये काफ़ी बल्जीनेस था साइड में, और मेन रीज़न क्या था आपका सर्जरी कराने का? पफिनेस, पफिनेस दिखता था। ठीक है, सो अभी देखते हैं क्या सा आपका है। सो ये आपका जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स है, तो अभी आपने एक्सरसाइज वगैरह भी कर दी, अभी देखिए कट्स भी दिखाई देने लगे हैं और धीरे धीरे आप वर्कआउट भी कर रहे हैं ना, तो ये काफ़ी पहले से भी बेटर हो गया। सो चेस्ट के साथ आप ये भी देखें, यहाँ से भी आपके कट्स दिखाई देने लगे हैं, सो काफ़ी बेटर हो गया है, और ये जो है आपका अपर मसल्स भी बिल्टअप होने लगे, तो बहुत अभी नेचुरल दिखाई दे रहा है एंड एकदम परफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, सो क्या चेंज, क्या मतलब सर्जरी से पहले और अब में 2 महीने में क्या फ़र्क लगता है आपको? काफ़ी जनरल सर, पहले टी शर्ट वगैरह नहीं पहन पाते थे, पहन लेते हैं टी शर्ट वगैरह, पहले उतना कॉन्फिडेंस, जिम करते थे तो ये चेस्ट की शेप बनती थी जैसी अब बन रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अब अच्छे से बन पाते हैं, तो अब अच्छे से एक्सरसाइज भी काफ़ी कर रहे हैं। हाँ हाँ, और निशान वगैरह, मार्क वगैरह? नहीं सर, वो तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। किसी को पता चला कि आपने सर्जरी कराया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता चला। और सर्जरी के बाद तकलीफ क्या क्या हुई आपको? 2 से 3 दिन बस हल्का का पेन हुआ था। ओके, और अभी जिम आराम से कर पाते हो? ऐसा कुछ नहीं है ना कि मसल्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि सर्जरी के बाद पता नहीं जिम जा पाएंगे, जिम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा है कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट?